अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू गोश्त। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 250 ग्राम चिकन, 4 बड़े साइज की प्याज ली हूँ, उसे रफली चॉप कर ली हूँ। आलू लिए थी, आलू को छील के कट कर, अदरक लहसुन मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए, कम या ज़्यादा। हमारे घर में बच्चे तो हम कम खाते हैं। टमाटर पूरी में गार्निशिंग के लिए 1/2 कप दही। ये हमारे अक्के मसाले हैं, इसमें है तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिरी, लौंग, 2 इलायची छोटी है, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी। सारे हमारे हल्दी, मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया, नमक और ये हमारा थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ मैंने एक पतीली ली हूँ, उसमें 3 चम्मच तेल ऐड करी हूँ। तेल अच्छे से हमारा गरम हो जाए तो हमें उसमें प्याज ऐड करना है। अब ये प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने के लिए अच्छे से पकाना है। ऐसी हो जाएगी ना हल्की ब्राउन, तो हमें इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। ठीक है, जो हमने टमाटर कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे, फिर हमें अच्छी तरीके से इसे पका लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होए तक हमें उसे अच्छी तरीके से इस तरीके से भून लेना, ताकि हमारे टमाटर का फ्लेवर भी आ जाए साथ में। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। ठीक है, में हमें अदरक लहसुन मिर्ची जो लिए थे वो हमें डालना है। ठीक है, और जो हमने ये अभी प्याज और टमाटर का वो करे है ना, वो डाल के हमें अच्छी तरीके से इसका बारीक पेस्ट बनाना है। थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे इसके अंदर बस। अब पीसने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें उसमें डालने हैं अक्के मसाले। हमने सारे अक्के मसाले को ऐड कर दिया है। इसका फ्लेवर तेल में आ जाए जब तक हमें इसे फ्राई करना है। मसाले की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तेल में। ये हमारा मसाले की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालें ऐड करेंगे हमारा चिकन। संभाल के ऐड करिएगा, चीटे बहुत आते हैं तरीके से, ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरीके से ऐड हो। या हमारी चिकन का कलर कुछ इस तरीके से जब हो जाएगा ना, तो हमें उसमें ऐड करना है कि मिर्ची मैंने ऐड करी। ऑप्शनल है, आपको अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो कीजिए। फिर हमें ऐड करना है जो मैंने, जब हमारी चिकन इस तरीके से हो जाएगी तो हमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देना है। अच्छे से साफ करके डालिए। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। हमारे मसाले जले ना करके हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके हमें अच्छे से भून लेना है। ये हमें अच्छे से भून लिया है। अब ये स्टेज पे हमें डालना है जो हमने ये पीस के रखा था टमाटर और मिर्ची का पेस्ट, ये हमें ऐड करना है। हम इसमें मसाले में थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हमें उसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। जब हमारी चिकन कुछ इस तरीके से हो जाएगी तो हमें इसमें आलू ऐड कर देना चाहिए, ताकि मसाले का फ्लेवर है ना आलू में भी आ जाए। इसे अच्छी तरीके से चला लेना है और ढक के हमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब बीच बीच में हमें, जब हमारा सालन 10 मिनट बाद हम देखें तो हमारा सालन कुछ इस तरीके से, मतलब मसाला रेडी है। तो अब हमें इस स्टेप पे डालना हुआ है। हमने जो दही रखे थे ना, गैस थोड़ा स्लो कर देंगे और दही को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इस स्टेज पे हमें डालना है ऐड
राइस डाल के अच्छे तरीके से हम इसको मसाले में भूनेंगे। कुछ इस तरीके से दही डाले थे, दही डालने के बाद भुनाई करके हमें कुछ इस तरीके से जब हमारा सालन हो जाए, जैसे कि हमारा ये पूरा अच्छे पक के मसाला रेडी हो गया एकदम अच्छे से, तेल भी अलग हो गया, तब इसमें डेढ़ गिलास पानी अच्छी तरीके से चला लेंगे और उसे ढक के पकने के लिए 5 गैस पे रख देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा सालन कुछ इस तरीके से पक के रेडी हो गया है, टिका बना है, आप लोग भी बनाइए। है कोथमीर, कोथमीर डालने के बाद हमें इसमें एक बार उसे चला लेना है। ये देखिए हमने इतना रखा है, आप अपने हिसाब से कम पानी और ऐड करना तो आप कर सकते हो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब हम इसे 5 मिनट ये देखिए हमारा चिकन आलू गोश्त बनके रेडी है, उसे चपाती के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप लोग भी ये बना के खाइए। अल्लाह हाफिज़।